हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर सेकंड चल रहा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अपने एक्सरसाइज 2.1 को अपन ने पढ़ लिया था, फिर अपन ने 2.2 एक्सरसाइज अपनी चल रही थी और उसके अंदर से अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक आई थिंक दैट अपन ने किए थे। तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से अपन स्टार्ट करेंगे कि आपके पास में कैसे है, कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले अपने को उस चीज़ को वापस रिकॉल करने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूलेस देखे थे कि साइन इन्वर्स 2x है, टेन इन्वर्स 2x है, कॉस इन्वर्स 2x है, उसके फॉर्मूलेस क्या होंगे। ये सब सारे फॉर्मूलेस हमें यहाँ पर रिकॉल करने की ज़रूरत है क्योंकि उन फॉर्मूलेस के बगैर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। फिर हमने उनके प्रिंसिपल वैल्यूज़, उनके डोमेन्स, कहाँ पर हमारा फंक्शन 1 1 1 2 था, कहाँ पर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव बना और क्यों अपने उसका इन्वर्स निकाला, ये सब सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस की थी। तो उसी के बेसिस आज अपने पास में आगे वाले एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से हम आप डिस्कस करेंगे, सब चीज़ को ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो हमारे पास में फंक्शन गिवन है, इन सब की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है कि इनकी वैल्यूज क्या होगी। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है टेन इनवर्स 2 cos 2 sin inverse 1/2। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सेकंड सेम क्वेश्चन नंबर 12 भी यही करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें यही करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। और तो इसमें लिखा हुआ है cot 10 इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। और हमारे पास में 13 क्वेश्चंस के अंदर भी सेम यही काम करना है हमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस 10 इनवर्स 1/2। यहाँ पे ये 1/2 लिखा हुआ है, 10 इनवर्स 1/2, फिर ब्रैकेट लगा के साइन इनवर्स 2x/(1+x²) प्लस कॉस इनवर्स 1-y²/(1+y²) और नीचे यहाँ पे इसके लिए कुछ अपने को रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दे रखा है जिसमें ये फंक्शन आपका इनवर्स बना होगा, मॉडुलस ऑफ x<1y>(0, xy<1)। तो हमें इस डोमेन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से इसमें इनवर्स बना रखा है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि 10 इनवर्स 2 cos sin inverse 1/2। सबसे पहले अपन यहाँ से इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 1/2, सबसे पहले इस 1/2 के लिए अपन इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर देखें कि ये इनवर्स फंक्शन के अंदर वैल्यूज आती है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल्स आते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो साइन इनवर्स 1/2 है इसकी हमने एंगल लिखना है कि ये कितने एंगल की वैल्यू है। तो साइन इनवर्स 1/2, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है। हमें पता है कि आपके पास में साइन की अगर टेबल देखी जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो साइन जो 30 है वो आपके पास में कितना है, साइन 30 आपके पास है 1/2 है। ओके, तो वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल जो हमने देखी है वही हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पे यूज होगी। यहाँ पे आपके पास में साइन इनवर्स 1/2, तो ये कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 कितने एंगल की वैल्यू है, कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 है, वो हमें पुट करना है। ओके, सेम हमारे पास में अगर कहीं पर भी वैल्यू आएगी, जैसे अपने पास 1/2 हो सकता है, इसके अंदर 1/√2 हो सकता है, तो 1/√2 45 डिग्री होता है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में √3/2 साइन के अंदर 60 होता है। तो मेरे पास में इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो देखिए बेटा, इस 11 क्वेश्चन को ओपन करते हैं वापस। सबसे पहले हमने कहा कि ये हमारा 10 इनवर्स था, ये 2 cos हमने एज इट इज लिखा, 2 साइन इनवर्स 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, कितने की वैल्यू है, साइन 30। और साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30 को अपन लिख सकते हैं कितना, 5/6। तो अपन यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि जो पूरी वैल्यू है साइन इनवर्स 1/2, ये साइन इनवर्स 1/2 इस पूरे को हटा करके इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं कितना, 5/6। भाई 5/6 30 होता है, तो ये हो गया अपना 5/6 30 होता है। तो ये 2 तो एज इट इज रह गया और साइन इनवर्स 1/2 की जगह आ गया हमारे पास में 2 × 5/6। तो बेटा देखो, 2 से अपने पास में 6 कैंसिल हो गया, जो हमारे पास में रिमेनिंग वैल्यूज है वो हमारे पास में कुछ ऐसी है, 10 इनवर्स आपके पास में 2 cos, ये कट गया आपके पास में, बचा कितना, यहाँ पे 6 की जगह 3 आ जाएगा, तो cos 5/3 बचा, ये cos 5/3 बचा अपने पास में, cos 5/3 बचा। तो हमने ये लिखा कि ये 10 inverse 2 cos 5/3। अब अपने पास में देखो, इन्वर्स नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे एंगल है, तो इसकी वैल्यू 5/3 का मतलब कितना हो गया, 5/3 का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है कि इसका 60 डिग्री कितना होगा। तो हमने ये लिखा 2 cos 60, ये पूरे हमारे पास में वैल्यू cos 60 की है, cos 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमें, तो cos 60। और हम जानते हैं cos 60 कितना, cos 60 अपने पास से 1/2 होता है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 10 इनवर्स आपके पास से बन गया 1, जिसको अपन क्या
कह सकते हैं पाई बाय 4 जो कि हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरीके से हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे वाले एक्सरसाइज के वो सारे अपन ने करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार वापस रिकॉल करेंगे अपन कि इस क्वेश्चन में क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 था। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना था sin इनवर्स 1/2 को। तो sin इनवर्स 1/2 की हमें वैल्यू पता है कि ये वैल्यू कितने की है 30 की। तो 30 की जगह हमने लिख दिया कितना पाई बाय 6 लिख दिया। 2 से आपके पास 6 कट गया, 3 बचा पाई बाय 3 बचा। तो हमारे पास में cos पाई बाय 3 बन गया। हम जानते हैं cos पाई बाय 3 एंगल आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पाई बाय 3 का मतलब कितना 60। तो cos 60 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/2। ये cos 60 की वैल्यू हमने पुट किया 1/2, ये 1/2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा और tan इनवर्स में 1 बचा। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहां पे एंगल आएगा तो वो कितना हो गया बेटा पाई बाय 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखते क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 अगर अपन करें अपने पास में क्वेश्चन नंबर 12 कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर किस तरीके से देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। आगे लिखा हुआ है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a है। तो अगर इसकी बात करें हमारे पास में हमारा क्वेश्चन ये है cot हमारे पास में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके हमें पता है, मैंने अपने पास में जब हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जब आइडेंटिटी पढ़ी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो हमने ये पढ़ा था कि tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा को हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था पाई बाय 2। ये हमारी एक आइडेंटिटी थी कि tan इनवर्स थीटा को प्लस cot इनवर्स थीटा को हम क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं पाई बाय 2। तो सेम हियर, यहाँ पे भी हमें वही यही काम करना है कि हमारे पास में ये लिखा हुआ है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a है, तो इसकी जगह अपने पास में पाई बाय 2 हो गया, तो ये हो गया पाई बाय 2 मतलब cot 90। हमें वैल्यू पुट करनी है cot 90 की कि cot 90 कितना होगा। हम जानते हैं आपके पास में tan 90 कितना होता है, tan 90 हमारे पास में होता है 1/0। तो cot 90 कितना हो जाएगा 0/1। तो दैट्स कम टू कितना हो जाएगा 0 0, इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर आपके पास में 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 को हमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है हमारे पास में कि tan इनवर्स 1/2। देखो बेटा यहाँ पे 1/2 पहले से प्रेजेंट है, यहाँ पे 1/2 उन्होंने पहले से हमें गिवन है कि यहाँ पे एक 1/2 है। फिर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन। इसको अपन थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो हमें कुछ कुछ फॉर्मूले जैसी फीलिंग आ रही है कि ये कुछ कुछ फॉर्मूला जैसा बन सकता है। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। ओके यहाँ पे दोनों जगह x नहीं है, दोनों जगह y है। अगर हम देखें थोड़ा सा ध्यान से इसको कि इसको सॉल्व करना है, तो हमने इसको लिखा, देखेंगे कैसे लिखा हमने इसको। हमने इसको लिखा tan इनवर्स जैसा लिखा था वैसा का वैसा। अब देखो बेटा इस x है और यहाँ पे y है, तो अगर हम ये काम करें पहले हमने पुट कर दिया पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। ओके और y इज इक्वल्स टू हमने पुट कर दिया tan phi। ओके दोनों जगह सेम थीटा पुट नहीं कर सकते, सेम सिंबल पुट नहीं कर सकते। रीजन इज दैट क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ओके तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो हम दोनों जगह सेम सेम tan थीटा पुट नहीं कर सकते। एक जगह tan थीटा पुट करेंगे तो एक जगह पुट करना पड़ेगा tan phi। अगर यहाँ पे अपन a पुट करेंगे tan a, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा tan a tan b। तो देखो अगर इसको अपन सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में ये आएगा tan इनवर्स 1/2। तो एज इट इज ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस एज इट इज है। फिर हमारे पास में cos इनवर्स आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमने कहा कि ये जो फॉर्मूला है, ये वाला ये जो फॉर्मूला बना है हमारे पास में, दोनों फॉर्मूले बने हैं। हमें पता है कि अगर फॉर्मूले हमें याद होंगे तो यहाँ बहुत सारा काम थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो हमारा ये जो फॉर्मूला बना है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है। किसका फॉर्मूला बन गया है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया है। और ये किसका फॉर्मूला बन गया है, ये बन गया है cos 2 थीटा का, मतलब cos 2 phi का फॉर्मूला बन गया है। तो देखो इसको अपन फर्दर लिखते हैं कि कैसे इसको अपन ने लिखना है। देखो इसको यहां पे अपन लिख रहे हैं हमारे tan इनवर्स 1/2 तो एज इट इज आगे का आगे चला। ओके ये sin इनवर्स है तो sin इनवर्स एज इट इज आ गया। फॉर्मूला जो बना था वो बना था sin 2 थीटा का प्लस cos इनवर्स, फॉर्मूला जो बना था वो बना था cos 2 phi का।
ओके, ये हमारे पास से फॉर्मूला बना। हम ये जानते हैं कि इनवर्स से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस इनवर्स से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास में ये टेन इनवर्स 1/2 दैट इज 2θ + 2φ बचेगा, ये बचेगा, ये साइन से साइन इनवर्स बढ़ गया और कॉस से कॉस इनवर्स बढ़ गया, तो थीटा प्लस 2φ बचा हमारे पास में। अगर इस थीटा प्लस 2φ जो बचा है उसमें से हम देख रहे हैं कि 2θ + 2φ बचा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो इस 2 को काट देगा, उसमें से 2 को कॉमन लिया तो इस 2 को काट दिया, तो बचा कौन हमारे पास में? ये बचा टेन इनवर्स 1/2, पहले था 2 बार आ गया, बचा हमारे पास में ये थीटा प्लस 5, तो ये कैंसिल हो गया, तो लास्ट जो फाइनल बचा है वो हमारे पास में ये बचा है थीटा प्लस 5, ये बचा हमारे पास में। अब क्या करना है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आंसर? क्योंकि जो थीटा और फाई है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर कहीं मेंशन नहीं था, इट इज नॉट मेंशन इन अवर क्वेश्चन थीटा और फाई। लेट्स एज्यूम ओनली द थीटा एंड फाई, हमने थीटा और फाई को लेट किया है, तो मैंने मैथमेटिक्स ये करती है कि जो लेट की हुई वैल्यू है उसको वापस हटाना पड़ेगा, लेट की हुई वैल्यू को वापस हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो थीटा है और ये जो फाई है, थीटा और फाई इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह यहाँ से वैल्यू निकालेंगे टेन इनवर्स एक्स, और फाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे टेन इनवर्स वाई, वो दोनों वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, तब जाके हमारे पास में ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू को हमें वहाँ पर पुट करना है, ओके, और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम पता चलेगा कि हमारे पास में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी। देखते हैं अपने पास में इसकी वैल्यू को किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को आगे कैसे पुट करेंगे, देखते हैं। इसको आगे अपन सॉल्व करना है, इसको अपन हटा देते हैं। देखें, हमारा जो लास्ट फाइनल आया था यहाँ से, ये वाला यहाँ से जो लास्ट फाइनल आया था वो ये था टेन इनवर्स थीटा प्लस 5, ओके। हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास में थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्स, ओके, एंड आपके पास है फाइ इज इक्वल टू कितना, फाइ इज इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स 1, ये हमारे पास वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो हमारे पास जो फाइनल बचा वो ये बचा, थीटा की जगह हमने पुट किया टेन इनवर्स एक्स, और हमारे पास में इसकी जगह पुट किया हमने ये वाली वैल्यू, तो हमने देखा हमारे पास में टेन इनवर्स एक्स और इसकी जगह हमने पुट किया है टेन इनवर्स वाई, ये हमने पुट किया है हमारे पास में। तो इस तरीके से अपन इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और इसकी तरीके से अपन इसकी वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास में ये कितना आएगा। ओके, देखेंगे हमारे पास में यहाँ पे ये जो वैल्यू थी ये इनवर्स नहीं है, ये केवल आपके पास में टेन ही है, तो इसको यहाँ से अपन पास इनवर्स नहीं है, क्वेश्चन के अंदर केवल 10 गिवन है, तो सभी जगह जहाँ जहाँ इनवर्स लिखा है वहाँ इसको अपन 10 कर देंगे। तो हमारे पास में ये केवल 10 था, तो 10 थीटा प्लस 5 आया है, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। अब देखो बेटा 10 ये, तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया 10a प्लस 10b का, तो इसको हमने कहा कि ये 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इनवर्स से ये हट गया 10, बचा कौन, बचा हमारे पास में एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो कि हमारा क्या था, फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन नंबर 13 का, ये हमारा एक फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर 13 का, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो सिंपल सा था, हमें एक सिंप्लीफाई करना था, और सिंप्लीफाई करना था वो सिंपल सा था, जैसा कि रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हमें वैल्यू पुट करनी है, और इसी तरीके से जो फॉर्मूला लग रहा है तो उसको फॉर्मूला पुट करना है, और जहां पे कहीं पे भी अपने को आइडेंटिटी लग रही है तो वो आइडेंटिटी अपने को इसके अंदर पुट करती है। ओके, आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इफ साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इसकी वैल्यू 1 है, देन फाइंड एक्स, ये कह रहा है कि आपके पास में आपको फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ये कह रहा है कि इस x की वैल्यू फाइंड करो, कि आपके पास में कुछ इस तरीके से ही आपको गिवन है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। देखेंगे बेटा, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने कहा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, साइन
साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। इसकी दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। ओके, तो हमने क्या किया कि अगर ये साइन जो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, इसको यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो मैं सबको बताया कि जब हम साइन को या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को या किसी भी फंक्शन को एक साइड से दूसरी साइड में भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो हमने कहा कि यहाँ तो हमारे पास में साइन इनवर्स 1/5 बचा है, कॉस इनवर्स x बचा है, और साइन को उधर भेजेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स 1 में। ओके, तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर तो हमारे पास में बचा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और ये देखो अब साइन इनवर्स 1 आ गया। अगर हमें पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी आपके पास है उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी फंक्शन है उसके साथ में हमारे पास में होती है वैल्यू, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें होता है एंगल, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें होती है वैल्यू। तो वैल्यू है तो उसमें एंगल आपके पास में लिखना पड़ेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें एंगल होता है तो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो बताया कि साइन इनवर्स 1, तो हम चलेंगे कि साइन के अंदर 1 कितनी वैल्यू होती है, साइन के अंदर 1 वैल्यू होती है 90 की। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2। सभी को पता है कि 90 को अपन पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने इस जो साइन इनवर्स आपके पास है 1 था उसको लिख दिया पाई बाय 2। ओके, अब देखो बेटा ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू आपके पास में आ रहा है पाई बाय 2, इसका नाम अपन फर्स्ट देते हैं। अब हमें इस थोड़ा बहुत आइडेंटिटी को रिकॉल करें कि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं वी नो दैट कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा जो है वो भी पाई बाय 2 होता है। कंडीशन ये है कि इस दोनों जगह पे हमारा जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर इन एंगल की वैल्यू सेम है तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि उसको अपन क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2। अब इस थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दो जो हमने अभी लिखा, यहाँ साइन इनवर्स 1/5 है, ये कह रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है पाई बाय 2। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक एक्स की जगह हम 1/5 पुट करें तो दैट्स इक्वल पाई बाय 2। तो इसका मतलब है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू पाई बाय 2 कब होगी आपके पास में, व्हेन हमारे पास में जो एक्स है वो कितना हो, वो एक्स हमारे पास में 1/5 हो। क्यों, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, हमारी आइडेंटिटी ये कहती है कि साइन इनवर्स थीटा के अंदर जो वैल्यू है और कॉस इनवर्स थीटा के अंदर जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू अगर सेम होती है, ये दोनों वैल्यू अगर सेम होती है और इक्वल होती है तो हमारे उसकी वैल्यू पाई बाय 2 है। तो इन्होंने पहले से ही पाई बाय 2 दे दिया हमें, तो इसका मतलब यहाँ 1/5 है, तो यहाँ एक्स कौन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा x की वैल्यू 1/5, और 1/5 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारे पास में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ओके, दोनों का यूज करके हमने ये लिखा कि हमारे जो x की वैल्यू है वो वैल्यू होनी चाहिए 1/5। तो हमारा जो फाइनल आंसर है x इक्वल्स टू 1/5 ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो हम इसको इस तरह से क्वेश्चन नंबर कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो भी सेम इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन से सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है इफ टेन इनवर्स एक्स माइनस 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की वैल्यू पाई बाय 4 है। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है देन फाइंड करो, क्या फाइंड करो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम वही है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये कह रहा है कि कुछ इस तरीके से हमारे पास में एक क्वेश्चन है, तो इसमें जो 10 है आपके पास में उसकी वैल्यू फाइंड करो कि उसकी वैल्यू क्या होगी। देखते हैं अपने पास में कि देखो बेटा सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो हमारा क्वेश्चन है टेन इनवर्स, ये अपन ऐड कर लेते हैं कि ये हमारा ए है, तो देखिए इसको एज्यूम किया कि इट्स अवर ए है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी। ओके, या एक्स या थीटा कुछ भी अपन ऐड कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी की जगह हमारे पास में ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ हमारे पास में दिया हुआ है तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर अपन एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, किसका, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। तो जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने वापस ले लिया, हमारा जो क्वेश्चन था सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस
tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन x प्लस टू की वैल्यू है पाई बाय फोर। ओके, हमें प्रूफ नहीं करना है, ध्यान रखेंगे दिमाग में, हमें ऐसा नहीं कि इसको प्रूफ करके पाई बाय फोर लाना है, नहीं, हमें इसको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है x की। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब कि आपको पाई बाय फोर इधर रखना है, ऐसा नहीं कि दिमाग में ऐसा जब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इसको प्रूफ करना है, नहीं, प्रूफ नहीं करना है, पाई बाय फोर अपने को वैल्यू आगे इसको यूज करना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हमने फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दिया, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अभी अपन ने यूज किया था, वही फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स तो यहां आगे आ जाएगा, देखेंगे हमारे पास x माइनस वन अपॉन x माइनस टू tan इनवर्स a, ये आ गया, b अपॉन वन माइनस ए बी, तो a तो हमारे पास में ये था और मल्टीप्लाई जो बी था वो हमारे पास में ये था x प्लस वन अपॉन x प्लस टू, ये हमारे पास में बी था, ये आ गया हमारे पास में, तो हमें क्या हो गया कि ऊपर तो आ गया x माइनस वन अपॉन x माइनस टू प्लस x प्लस वन अपॉन x प्लस टू आ गया है और आपके पास में डिनोमिनेटर के अंदर वन माइनस ए बी। तो अपना फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला ये था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हमने क्या लिखा था, हमने ये लिखा था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई लिखा था, ये हमारा फॉर्मूला था। तो जो हमारा x था, अभी x x ना होकर के अपन ये कह सकते हैं कि इसको a भी लिख लेते हैं, थोड़ा से अच्छा रहेगा हमारे लिए, a भी लिख लिया हमने, इसको a भी लिख दिया, तो यहाँ a है और यहाँ पे हमारे पास में b है, तो वन माइनस ये हो गया a b। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, तो a की जगह हमने इस पूरी वैल्यू को पुट कर दिया, ये हमारा a था, बी की जगह इस पूरी वैल्यू को पुट कर दिया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इसको अपने क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर के अंदर भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं। देखें ये जो हमारे पास में लिखा हुआ था इसको अपन सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो हमने कहा कि जो हमारे पास में लिखा हुआ है tan इनवर्स, ये tan इनवर्स, ओके, हम देखेंगे कि न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम आ जाएगा x माइनस टू मल्टीप्लाई x प्लस टू, आपके पास में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एलसीएम आएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा x माइनस वन मल्टीप्लाई करेगा x प्लस टू से प्लस x प्लस वन जो है वो मल्टीप्लाई करेगा अपने x माइनस टू से, और इन दोनों का जो अपने पास में एलसीएम है वो ये आ जाएगा x माइनस टू मल्टीप्लाई x प्लस टू। ओके, ये तो बन गया अपना न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के अंदर देखेंगे हमारे पास में कि इसमें भी x माइनस टू एक्स प्लस टू एलसीएम है, तो वन के साथ में एलसीएम लेंगे, तो वन के साथ में अगर आप एलसीएम लेंगे तो x माइनस टू मल्टीप्लाई x प्लस टू हो जाएगा माइनस, न्यूमरेटर तो इन दोनों का अपने पास मल्टीप्लाई में आएगा x माइनस वन और x प्लस वन, क्योंकि इन दोनों के नीचे आपके पास में ये, तो भाई हमारे पास में क्या होगा कि ये दोनों तो क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और वन के साथ में एलसीएम आ जाएगा, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और वो मल्टीप्लीकेशन इस वन के साथ में एलसीएम में आ जाएगा और न्यूमरेटर आपके पास में एज इट इज रहेगा, और इसके भी डिनोमिनेटर में आपके पास में जो एलसीएम था एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू आ गया, इससे तो हमने इसको काट दिया, ये तो भाई कट गया। ओके, और हम देख रहे हैं अपने पास में कि इसके साथ में हमारे पास में चल रहा है कौन, ये चल रहा है हमारा पाई बाय फोर चल रहा है। ओके, तो हमने ये लिखा tan इनवर्स, इन दोनों का अपने को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते देखो बेटा x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर x का 2 से करेंगे तो फिर आएगा हमारे पास में 2x, इसका इससे करेंगे माइनस का x और इसका इससे करेंगे तो माइनस का 2। ओके, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर होएगा, x का 2 से करेंगे तो माइनस का 2x होएगा, इसका इससे करेंगे तो प्लस का x और इसका इससे करेंगे तो दैट्स आएगा हमारे पास में माइनस का 2। ये हमारे पास में आ जाएगा एलसीएम में मल्टीप्लीकेशन में, और इसके जो डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आइडेंटिटी कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस, इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का x और आपके पास है माइनस का 1, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे, और इसके साथ में चल रहा है हमारा tan पाई बाय 4, जो पाई बाय 4 वाली वैल्यू थी वो चल रही है tan इनवर्स, तुम्हारे पास है बचा ये tan इनवर्स। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को वो तो ऐड करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x और ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टू और माइनस टू हो जाएंगे माइनस के 4, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये अपने पास में क्या करेगा इसको चेंज कर देगा, माइनस का एक्स स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस का x इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, प्लस का x और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस का 1, ये हमारे पास में बच गई। ओके, हम देख रहे हैं इसके अंदर कि इस वाली वैल्यू से तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी और हमारे पास में इस x से ये x भी कैंसिल आउट हो गया, इधर कौन चल रहा था, इधर चल रहा था हमारे पास में पाई बाय 4। ओके, बचा हमारे पास में जो फाइनल जो बचा था वो ये बचा है 2x स्क्वायर माइनस 4
अपॉन हमारे पास से बचा है माइनस का 3, ये बचा हमारे पास में पाई बाय 4। ओके, अब देखो बेटा इधर 10 इनवर्स है और उधर पाई बाय 4 है, हमें पता है कि उस 10 को अगर उधर भेजेंगे, इस साइड से 10 को हमने इस साइड भेजा, तो इस साइड कौन बचा, इस साइड बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 10 पाई बाय 4, क्योंकि ये इनवर्स है, इधर इनवर्स है, इनवर्स राइट हैंड साइड में जाएगा आपके पास में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, सेम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो राइट हैंड साइड में जाता तो इनवर्स बन गया। तो अगर यहां पे देखेंगे तो हमारे पास में यहां पे आ गया है 10 पाई बाय 4, ये 10 पाई बाय 4 आया, हम जानते हैं 10 पाई बाय 4 कितना, 10 पाई बाय 4 होता है 1, तो 10 पाई बाय 4 हमारे पास में हो गया 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और डिनोमिनेटर में 3 था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू अपने पास उधर कितना चला गया 3 चला गया। तो हमारे पास में ये जो इक्वेशंस आई है, इस इक्वेशंस को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद में हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी और जो x की वैल्यू रहेगी वही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो हमारे पास में हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके से था, हमारे पास में जो वैल्यू थी ये माइनस का 3 था, ओके ये माइनस का 3 था, तो हमारे पास में इसको अपन सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ओके देखते हैं इसको आगे, फाइनल आंसर भी देख लेते हैं अपन, इसका फाइनल आंसर क्या होगा देखेंगे इसके बाद यहाँ से, कि ये जो हमारे पास में लिखी हुई इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, ओके फाइनल आंसर यहाँ लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का माइनस का 3 और प्लस का 4, तो हमने ये देखा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2, देन x इज इक्वल टू हमें पता है प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, जो कि हमारा क्या रहेगा फाइनल आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, जो कि हमारा आंसर था। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बड़ा जरूर है लेकिन है सिंपल है, एक बार वापस अपन रिकॉल करेंगे हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन था इफ टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 था। तो हमने थोड़ा सा रिकॉल किया अपने माइंड को, तो हमें पता चला कि अगर ये अपना ए है और इसको अपन बी लेट करें इस पूरी वैल्यूज को, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। तो जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले से हमने ये देखा कि हमारे पास में कितना हो गया, ये हो गया 10 इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, वो सारा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया नोमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 के साथ में एलसीएम ले लिया। तो हमने एलसीएम लेने के बाद जो हमारा फैक्टर था वो हमने ये लिखा कि x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2, डिनोमिनेटर के अंदर आ गया x माइनस 2 और x प्लस 2। ओके सेम हमने डिनोमिनेटर के अंदर भी इसके एलसीएम ले लिया, एलसीएम से फैक्टर बन गया, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 इस वाले से कैंसिल आउट हो गया, बचा हुआ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करके अपने पास में यहाँ पे लिख दिया, जो कट रहा था उसको हमने काट दिया कि 2x से 2x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बाकी सारी चीजें हमारे पास में ये आ गई। फाइनल हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जो भी कट रहा था इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कराने के बाद में हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। फिर भी जो कट रही थी वैल्यू उसको हमने कट कर दिया, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास में इस तरह से थी 10 इनवर्स पाई बाय 4 को हमने उधर भेजा, तो आपके पास में ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू सभी जानती है क्या होती है 1, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1, तो आपके पास में ये हो गया 1। फिर हमारे पास ये बचा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस का 3, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 3 उधर चला गया, तो फाइनल हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है इसको और 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 को, और इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है आपके पास में, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा बड़ा जरूर था लेकिन था सिंपल, केवल कैलकुलेशन है, तो आप करोगे कैलकुलेशन तो आप सभी जो इसको समझ जाएंगे। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ओके आगे चलते हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, कि 16 के अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था कि क्वेश्चन नंबर 15 को हमें किस तरीके से करना है। हाँ देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 16 to 18, मतलब 16, 17, 18 हमारे तीन क्वेश्चन के अंदर भी हमें वही काम करना है जो भी थोड़ी देर पहले किया, मतलब हमें इसके अंदर भी हमें इसकी जो फंक्शन गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हम देखते हैं अपने पास से क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 का हम सॉल्यूशन लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 को किस तरह से सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, उसको मैं किस तरीके से सॉल्व करना है, आंसर क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को किस तरीके से सॉल्व करना, देखेंगे बेटा। ऐसे नियम कर सकते हैं कि साइन इनवर्स को साइन से काट दो, इतनी देर से तो काटते ही आए हैं तो इसको भी काट ही दो, 2π/3 हमारा आंसर आएगा। नहीं, हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू थी साइन इनवर्स की वो कितनी थी। हमारी जो वैल्यू है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ये वैल्यू है 2π/3, साइन के साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में अगर ये 2π/3 आ रहा है तो हम इस साइन इनवर्स को साइन से कट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2π/3 है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज में। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज की पहले बात करते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज क्या थी। थोड़ा सा अपन पुराना रिकॉल करते हैं कि साइन इनवर्स जो एक्स था वो बिलोंग्स करता था क्लोज इंटरवल π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में। तो अगर ये वैल्यू 2π/3 -π/2 से π/2 के बीच में अगर होती है तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास में कि ये हम इस साइन इनवर्स से साइन को कट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू इसके बीच में है। देखो बेटा 2 180/3 कर देते हैं भाई, पाई की वैल्यू ये, इससे हमने कैंसिल आउट किया, कितना आ गया 60। तो दैट इज आपके पास में कितना आ गया, ये तो आ गया 120। बट ये कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, -90 से +90 के बीच में, ये -90 to +90 के बीच में। तो ये वैल्यू तो इसके अंदर आ ही नहीं सकती क्योंकि ये तो अपने पास में कितनी हो रही है, 120 डिग्री की लगभग की वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू इसके अंदर नहीं आती तो हम इसको डायरेक्ट कट नहीं कर सकते। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना, तो बेटा प्रिंसिपल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम पाई का डिफरेंस ले सकते हैं, पाई में इस वैल्यू को प्लस करें तो अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू मिले, पाई में से इस वैल्यू को माइनस करें तो प्रिंसिपल वैल्यू मिले। मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के इस प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाना है। हम कैसा भी कर सकते हैं, पाई का डिफरेंस ले सकते हैं, 2π का डिफरेंस ले सकते हैं, कैसे देखेंगे यहां मैं इसको सॉल्व करता हूं। हमारा क्वेश्चन ये कहता है साइन इनवर्स साइन आपके पास में इसको पाई माइनस, आपके पास में इस 2π/3 को पाई माइनस कितना लिखे कि 2π/3 आ जाए। तो हमने कहा कि इसको पाई माइनस π/3 लिख के देख सकते हैं। देखो सॉल्व करो उसको कि 2π/3 जो हमारे पास में लिखा हुआ है, 2π/3 को क्या हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, 3π - π/3 दैट्स कम टू 2π/3। हाँ, तो इस 2π/3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पाई इसको पाई के डिफरेंस में कन्वर्ट किया, साइन पाई माइनस π/3। ओके देखें, तो ये जो हमारे पास में हुआ साइन पाई माइनस π/3। अब जो साइन पाई माइनस 3 है, पाई माइनस थीटा, 180 - थीटा, तो 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है। सबसे पहले जो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम हमारे पास में 11th-10th क्लास से पढ़ रहे आ रहे हैं, उस क्वाड्रेंट सिस्टम का भी ध्यान होना चाहिए कि 180 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। हमने थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन की तरफ चले, यहां से हमारे पास में ये होता है 0 से 90 - थीटा, इसको हमने देखा आपके पास में 90 + थीटा, और ये जो पूरी लाइन है 180 - थीटा जिसको अपन क्या कहते हैं, पाई माइनस थीटा। इसका मतलब ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है आपके पास में, ये 180 - थीटा
कह रहे सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास 180 माइनस थीटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में खुद रहता है साइन और कोसेक, तो आपको साइन कन्वर्ट करना ही नहीं है आपके पास में, तो इस पूरी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को आप लिख सकते हैं साइन पाई बाय 3, ओके पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन खुद रहता है, तो इसको अपन कन्वर्जन करने के बाद कितना आ जाएगा साइन पाई बाय 3। अब देखो क्या पाई बाय 3 इसके बीच में आ रहा है, पाई बाय 3 कितना हो गया, पाई बाय 3 180 बाय 3, 180 बाय 3 60, हाँ बिल्कुल इसके बीच में आ रहा है, तो अभी साइन से साइन को हटा सकते हैं, तो पाई बाय 3 जो बचेगा वो हमारा आंसर बचेगा। इसका मतलब हमें क्या करना है कि अगर इस क्वेश्चन में आपके पास में प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में अगर ये नहीं आता है तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना है और प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाना है आंसर। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, देखो 17 नंबर के क्वेश्चन में भी हमें यही काम करना है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखो 17 के अंदर में कैसे करना है, 17 के अंदर भी हमें यही काम करना है कि 17 हमें ये कहता है tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, देखो बेटा tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, अब इस हमें पता है कि इसके अंदर भी हमारा जो tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स है कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी, ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, ओके साइन की क्लोज इंटरवल में है, इसकी ओपन इंटरवल में, तो क्या ये वैल्यू भी इसके बीच में है, देखते हैं कि क्या ये वैल्यू इसके बीच में है। देखो 3 पाई बाय 4 कितना, 3 पाई बाय 4 हमारे पास में होता है 3 × 180/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू इसके बीच में नहीं आ रही, ओके 3 बाय 4 को अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बीच में नहीं आ रही, तो अपन क्या करेंगे कि हमारे पास में इसको भी इसके बीच में लाना है, तो इसको भी अपन पाई का डिफरेंस ले सकते हैं। देखो tan इनवर्स पाई माइनस, देखो अब पाई माइनस किसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई में से पाई बाय 4 को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें, देखो एलसीएम देखकर चेक कर सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास में 3 पाई बाय 4, तो इसको हमने कहा कि वापस कितना आ गया पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास में क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन तो होता ही नहीं है, साइन और कॉस होता है, तो भाई नहीं होता तो क्या करना, नहीं होता तो हमने सीख रखा है कि आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है माइनस टेन पाई बाय 4, ये लगा दिया, और tan के अंदर माइनस क्या, tan के अंदर माइनस 12 आ जाता है, तो बचा कौन माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4, tan इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा कौन माइनस का पाई बाय 4 जो कि आपका आंसर है, और ये वैल्यू किसके बीच में है, ये वैल्यू हमारे पास में पाई बाय 2 के, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में आ जाएगी हमारे पास में, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर माइनस का पाई बाय 4। अब देखो हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है साइन tan sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2, ये हमारे पास में बचा हुआ है, इसको सॉल्व करना है, जब तक इस tan जैसे इसको भी देखेंगे तो फाइनल में हमारे क्या हुआ, ये इससे हटाएं, ये भी इससे हटा है कन्वर्ट होने के बाद, प्रिंसिपल वैल्यू होने के बाद, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे कुछ प्रिंसिपल वैल्यू जैसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बट हमें इसको हटाना है, तो इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए अगर ये अंदर वाली वैल्यू tan इनवर्स हो, क्योंकि बाहर tan है इसलिए अंदर वाली वैल्यू अगर tan इनवर्स हो तो ये हमारे हटा सकते हैं, तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा देखो इसको tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है sin इनवर्स 3/5, ओके साइन इनवर्स 3/5 गिवन है, ओके तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास में साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, ओके और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हमारे पास में ये पढ़ा है ना अपन ने छोटी क्लासों में, पीबीपी अपॉन एचएचबी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, मतलब परपेंडिकुलर तो आपके पास में कितना है 3 है और हाइपोटेनियस कितना है 5 है, तो परपेंडिकुलर अगर 3 हो और हाइपोटेनियस 5 हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री आपके पास में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ओके ये 90 ये अपना थीटा, परपेंडिकुलर हमारे पास में 3 है, हाइपोटेनियस हमारे पास में 5 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 4 के आपके पास में बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम बेस कितना आ जाएगा 4, तो हमने कहा कि परपेंडिकुलर तो आपके पास में 3 था, हाइपोटेनियस आपके पास में 5 था, तो बेस कितना आ गया 4, ओके तो अब अपन क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा हमारा इतना है तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा हम क्या जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा टेन थीटा, परपेंडिकुलर कितना है भाई 3, बेस कितना है, बेस हमारे पास से भी निकाला 4, इसका मतलब कि हमारे पास में जो साइन इनवर्स 3/5 है उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, ये हमने लिख दिया tan इनवर्स 3/4। अब क्या करना है, अब इसको वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना है, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन इसकी वैल्यू को, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन, कि हमारे पास से हमने कहा कि साइन इनवर्स 3/5 को हमने लिखा है tan इनवर्स 3/4, ओके अब देखो तो इस साइन इनवर्स को तो हम हटा सकते हैं यहां से,
इस वाली वैल्यू को तो यहाँ से हटा सकते हैं। अब देखो बेटा, जो कॉट इनवर्स अगर x है तो उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, मतलब रेसिप्रोकल हो जाती है वैल्यू। सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास में आप पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में कॉट इनवर्स 3/2 है तो उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3, ये लिख सकते हैं। ओके, हमने क्या किया कि sin इनवर्स 3/5 को भी tan में बनाया और cot इनवर्स 3/5 को भी किस में बनाया, tan में, दोनों को tan में बनाया। तो फाइनल जो हमारे पास में बचा हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये बचा हुआ है tan sin इनवर्स 3/5 को उसकी जगह हमने लिखा tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 की जगह लिखा tan इनवर्स 2/3। तो हम देखेंगे ध्यान से, देखिए एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का अगर ये फॉर्मूला बन गया है तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे कैसे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया है हमारे पास में, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेटा, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि अगर ये दोनों अपने पास में फॉर्मूला है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि xy कितना है। x हमारे पास में है 3/4 मल्टीप्लाई y कितना है 2/3, तो ये अपने पास में ये कैंसिल हो गया, दैट्स कम टू 1/2, लेस देन 1 है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो हमने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। देखो tan से तो tan हट गया, बचा कौन, बचा ये 3/4 प्लस आपके पास में ये, और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास में बचा है 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास में एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया इसका 12, तो 3 बचा, 3 × 3 = 9 प्लस से 4 बचा, 4 × 2 हो गया 8, और इसका जो एलसीएम था वो था आपका 12, डिनोमिनेटर के अंदर भी आपके पास में दैट इज कम टू 12 माइनस 6 और अपॉन में कितना बचा, अपॉन में बचा 12, 12 से 12 तो कैंसिल, 8 और 9 हो गए 17 और आपके पास में 12 माइनस 6 हो गए 6, तो 17/6 है वो आपके पास में आंसर है इस वाले क्वेश्चंस का, जो हमारे पास में कितना गिवन था, tan इनवर्स sin 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/-3/2, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जिसका जो आंसर है वो हमारे पास में आ गया है, दैट्स कम टू 17/6 आ गया। ओके, तो इस तरीके से अपन पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस जो है वो आपके पास में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 तीन क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है तीन, 19, 20 और 21 तीन एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो अभी आप आज पढ़ा उसी के बेसिस पे है। तो आप इस 19, 20, 21 जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको आप HW होमवर्क में करेंगे, और प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से वापस कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो 2.2 है, वो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।